फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे, क्योंकि मज़े करने का ही दिन है तो मज़े तो करेंगे ही। तो देखिए, आज मैं आपके मस्ती के लिए एक थालपोश लाई हूँ, बहुत ही प्यारा सा। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए मैं दिखा देती हूँ ये कैसा है। तो ये देखिए, ये इस तरह से दिख रहा है, ये बहुत ही प्यारा सा। आप इसको थालपोश भी बोल सकते हैं, टेबल कवर भी बोल सकते हैं, प्लेट का ये होल्डर भी बोल सकते हैं, किसी डेकोरेटिव सामान के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका मेजरमेंट आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना बड़ा है। ये देखिए, ये 12 इंच का है, ठीक है, ये पूरा 12 इंच का है। और अगर इसको और बड़ा आपको बनाना है तो ये घेर और बढ़ा सकते हैं आप, ये बीच का भी घेर बढ़ा सकते हैं, तो इससे आपका और बड़ा साइज़ बन जाएगा। अगर छोटा साइज़ बनाना है तो ये वाला घेर आप कम कर दीजिएगा, ये दो रो बनाएगा, या फिर ये चार रो बना हुआ है वो बनाइएगा ही नहीं, तो आपका इतना छोटा ही बन जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आपको जैसा लगे वैसा आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो उसके पहले, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को लाइक करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको बना। ये देखिए, ये टेबल कवर बनाने के लिए मैंने दो कलर का ऊन लिया है। तो सबसे पहले मैं रेड कलर से नॉट लगा लूँगी इसका। ये देखिए, दो चेन बनाने के बाद नॉट लग गया। अब यहाँ पे देखिए, एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच चेन बनाने के बाद ये स्टार्टिंग वाला जो चेन है इसमें हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे और इसी में फिर से डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो एक हमारा जो ये तीन चेन का है ये काउंट हो जाएगा डबल क्रोशिया में, और बाकी का दो हमने किया है, टोटल हमें 12 करना है, ठीक है। तो मैं 12 करके फिर दिखा। ये देखिए, 12 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है, अब इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है चेन, इसी में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाने के बाद इसी में हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो उसके बाद वाले में दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक और ये दो, फिर उसके बाद वाले में दो, तो सभी चेन में दो दो डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर आगे मैं दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए, ये रेड कलर से मैंने ये कंप्लीट कर लिया पूरा राउंड। अब इसके बाद मैं लाइट कलर लूँगी, ग्रीन वाला। तो देखिए, मैंने नॉट लगा लिया है और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी इसको। यहाँ पे तीन चेन बना लेंगे, इसके बाद फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर से इसके बगल वाले चेन में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे ये दो डबल क्रोशिया बनाया, उसके गैप छोड़ के और इस वाले में हम तीन बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे पहले तीन बनाया, फिर ये दो डबल क्रोशिया दिया था, उसको गैप करके फिर उसके बगल वाले चेन में मैंने बनाया। फिर देखिए, एक चेन बनाएंगे और फिर उसके बगल वाले में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर अगले राउंड में मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इस वाले चेन में हम ले लेंगे इसको, और यहाँ पे चेन बना लेंगे तीन। अब उसके बाद इसी में हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और दो और डबल क्रोशिया इसी में कर लेंगे। इसी चेन में हमें दो और डबल क्रोशिया कर लेनी है, एक और ये दो।
अब यहाँ पे भी एक चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इस वाले में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको क्या करना। अब ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक चेन बना के इसको स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे ले आऊँगी बीच में, अब इसके बाद यहाँ पे चेन बना लेंगे तीन। देखिए जो चार डबल क्रोशिया मैंने बनाया था उसी के बीच वाले में दो इधर हो गए, और बीच वाले में मैं दो डबल क्रोशिया करूँगी। तो एक मैंने चेन बनाया तीन, उसको मैं डबल क्रोशिया के काउंट में करूँगी और एक और डबल क्रोशिया, तो ये हमारा तीन हो गया, सॉरी दो हो गया। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और इसमें दो डबल क्रोशिया कर लेंगे, जो बीच में हमने एक चेन बनाया था ना उसी में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक चेन बनाएंगे और ये बीच में गैप है दो इधर इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। फिर मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस वाले रो में ये देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा ब्लर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इस वाले में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम, और यहाँ पे चेन बना लेंगे तीन, और फिर से यहीं पे इसी में इसी चेन में हम दो डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हमारा तीन डबल क्रोशिया हो गया, एक तीन का चेन और दो डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर इसके बगल वाले में तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो और ये तीन। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर से इस वाले में तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। फिर अगले राउंड में दिखाती हूँ हमें क्या करना है। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है, ये इस तरह से दिख रहा है और ये इतना बड़ा हमारा बनके कंप्लीट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए हम इसमें चेन बना लेंगे। देखिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से यहाँ ट्रांसफ़र की हूँ स्लिप स्टिच करते हुए। अब यहाँ पे फिर से तीन चेन बनाएंगे और इसी में दो और डबल क्रोशिया करेंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा बताइए आप, तीन डबल क्रोशिया है ना। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, फिर उसके बगल वाले में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन। फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर इसके बगल वाले में तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगले राउंड में दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद वाले राउंड में मैं दिखाती हूँ क्या करना है। तो इसको पहले हम स्लिप स्टिच करते हुए ये चेन में ले आएंगे, एक और ये दो। दो चेन में मैंने स्लिप स्टिच किया, ये तीसरे चेन में मैंने किया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से तीन चेन बनाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से बनाएंगे, एक और बना लेंगे। तो टोटल चार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे और फिर से इसमें चार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन और ये चार। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर ये वाला जो चेन है गैप हमारा इसमें भी चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, सभी चेन में हमें चार चार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए जो चेन हमारा गैप है इसमें हमें चार चार डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे एक चेन बना के। ठीक है, अब यहाँ से फिर तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद देखिए फिर इसी वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बगल वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बगल वाले में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो ये चार डबल क्रोशिया के ऊपर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस ये जो एक चेन का गैप है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए चार डबल क्रोशिया है उसके ऊपर चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आगे क्या कर। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे फिर से हम चेन बना लेंगे तीन, और इसी वाले चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तीन चेन बनाने के बाद इसी में मैंने एक और डबल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब ये वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बगल वाले चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बगल वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बगल वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए मैंने एक दो तीन चार में डबल क्रोशिया बनाया है सिंगल सिंगल। अब ये देखिए पाँच छः सात आठ और ये नौ, नौ में मैं डबल क्रोशिया की हूँ एक एक, और फिर दसवें वाले चेन में मैं दो डबल क्रोशिया करूँगी, एक और ये दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में मैंने दो किया, एक चेन में दो डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ पे नौ मैंने डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाया एक एक। अब नौ के बाद ये दसवें वाले में फिर मैं दो डबल क्रोशिया बनाई। अब ऐसे ही फिर मैं नौ डबल क्रोशिया बनाऊँगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ। नौ बनाने के बाद फिर देखिए इस वाले में दसवें वाले में दो डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगले राउंड में दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसको जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ से फिर चेन बनाएंगे, और यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया किया था इसमें, तो इसीलिए इसमें भी दो डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब उसके बाद सभी चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस। दस हो गया हमारा डबल क्रोशिया। फिर उसके बगल वाले में हम दो, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे मैंने दो किया है तो ऊपर भी इसी में हम दो डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे कि जहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया नीचे वाले में दिया है उसी के ऊपर हम दो डबल क्रोशिया करेंगे, बाकी में हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड और एक राउंड और कंप्लीट कर लेंगे, दो राउंड हम करेंगे, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको जॉइंट कर लूँगी, और यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच करके इस वाले चेन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं तीन चेन बनाऊँगी, तीन चेन हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा और दो चेन हम गैप के लिए करेंगे, और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए तीन चेन बनाऊँगी मैं, तीन चेन बनाने के बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच स्किप करके और इस वाले में मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर यहाँ पे दो चेन बनाना है और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये वी शेप में ये बन जाएगा, और बीच में हमें तीन चेन बनानी है, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच,
फिर उसके बाद उस वाले चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये, तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। फिर दिखाती हूँ अगले राउंड में क्या करना। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है, ये इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए मेरा चार डबल क्रोशिया बचा है, तो कोई बात नहीं, अब एक हमारा कम पड़ गया, जैसे यहाँ तक मैंने पाँच पाँच किया, यहाँ पे चार बचा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब यहाँ पे भी तीन चेन बनाऊँगी और तीन चेन बनाने के बाद देखिए एक दो तीन तीसरे वाले में हम इसको जॉइंट कर लेंगे और एक चेन और यहाँ पे बना के इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए मैंने रेड कलर इधर डाला था, तो यहाँ पे भी रेड कलर ही मैं लगाऊंगी। अगर आपको दूसरा कलर लेना है तो ले सकते हैं, आप दूसरा कलर से भी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए इसको रेड कलर हम मैं जॉइंट करूँगी, यहाँ से जो वी शेप बनाया था उसी में हम रेड कलर जॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे पहले और इसी में डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक दो तीन और ये चार, तो एक काउंट कर लेंगे ये चेन का भी, तो हमारा टोटल पांच डबल क्रोशिया काउंट होगा। और इसको ये वाले चेन में डाल के और इस तरह से पॉपकॉर्न बना लेंगे। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः चेन बनाने के बाद फिर देखिए ये वाला जो है हमारा वी शेप, इसी में फिर से हम बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच बनाने के बाद देखिए ये लास्ट का जो चेन है इसमें हुक को डालेंगे और इसको फंसा के इस तरह से पॉपकॉर्न बना लेंगे। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, और छः चेन बनाने के बाद अगर आपको लग रहा है ये खींच रहा है तो हम सात भी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। सात बनाने के बाद फिर देखिए इसके बगल वाले में फिर से पॉपकॉर्न बनाएंगे, तो सभी में हम बना लेते हैं पूरा राउंड में, फिर दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया और ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाऊंगी, कलर कॉम्बिनेशन आपको भी आइडिया मिलता होगा जब मैं कलर कॉम्बिनेशन लगाती हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पर जो है मैंने रेड कलर कट किया है और ये मैं लाइट कलर का जॉइंट, लाइट ग्रीन, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं नॉट लगा ली हूँ, ये देखिए ये वाला को यहाँ से इस तरह से इसको लेंगे और यहाँ पे चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ठीक है। तीन चेन बनाने के बाद ये वाला जो पफ में चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चेन बनाएंगे और ये वाला जो आगे का चेन होता है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से यहाँ पे एक दो तीन और चार चेन बनाएंगे और फिर से ये आगे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक दो तीन चेन बनाएंगे और ये आगे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये तीन हमारा पंखुड़ी बन गया। अब यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ देखिए एक दो तीन चेन बनाएंगे और ये यहाँ पे इस वाले में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद देखिए ये रेड वाला जो हमारा पॉप है, सॉरी पॉपकॉर्न है, इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे,
फिर यहाँ देखिए एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद फिर देखिए ये आगे जो दो चेन होता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे, इसमें हुक को मैंने डाला देखिए इस तरह से, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब फिर से देखिए एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे और फिर से ये आगे वाले दो चेन होता है, ठीक है, दोनों चेन को हम लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से आप देखिए एक दो तीन, तीन चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये सब आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें बनाना है। तो इस तरह से बना लेंगे, फिर सेम उसी चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेम उसी चेन में, देखिए ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पे इस वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए ये इस तरह से हमारा बनेगा। तो ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा दिख रहा है। तो ऐसे ही आप देखते रहिए तभी आपको पता चलेगा कि इसका फाइनल लुक कैसा है। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है, ये फाइनल ऐसा दिख रहा है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो देखते हैं फिर लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करें वीडियो को और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।